ज्यादा तेज चल सकता हूं मैं। तुमने वैसे सब चेक कर लिया ना? मैं अभी तक सुरक्षित हूं ना? कोई मैं तब से तुम्हारे साथ हूं जब से तुम घर से बाहर निकली, तुम्हारी परछाई की तरह। यही नहीं, बाहर जाने के लिए जो तुम घर पे पूरा इंतजाम करके आई हो ना, वो भी संभाल लिया मैंने। सोचने वाली बात है, अब सरसों को समेटने में पूरा दिन तो ना चले जाता। पालोमी का झरने की सफाई वाला काम आसानी से हो गया, और मासी साहब सारा दिन मासा के साथ तो नहीं बैठने वाली थी, पर शिव अक्सर मासी साहब का सामान लेकर आता है तो देर तो उसे भी नहीं लगनी थी। तो सब कुछ जानने के बाद तुमने घर पे सच्चाई बता दी? वो सच जान भी लेते तो इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो समझदार हो, आजाद हो, सब समझ रखती हो, उन्हें भी समझा देना। हाँ, वो तो मैं हूं ही, पर तुम इसलिए डर रही हो ना कि अगर उन्हें सच पता चला तो रिश्तों की मान मर्यादा को ठेस पहुंचेगी। किसी भी रिश्ते की बच्चों से देखभाल और सुरक्षा तब की जाती है जब उसकी मान मर्यादा की चिंता होती है। जैसे एक पति पत्नी का रिश्ता, जहां पति एक परछाई की तरह पत्नी के साथ होता है, उसकी सुरक्षा करता है। तो घर पे किसी को भी सच नहीं पता? कनक, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया कि हमारे बीच जो भी चल रहा है उसमें मैं अपने घर वालों को शामिल नहीं करूंगा, इसलिए मैंने मासी साहब को कह दिया था कि हम दोनों बाहर जा रहे हैं और जल्दी लौट आएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मासी साहब को यह लगे कि तुम अकेली बाहर गई हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी बगावत उनके सामने आए। तो बाहर जाना भी बगावत है? नाइस। हाँ, अकेले आए तो है। तुम्हारे इस नियम धर्म नंबर 99 के बाद गलती से कहीं औरतों के लिए कुछ सही लिखा है? देखो, मुझे नहीं पता कि ये नियम किसने बनाया और क्यों बनाया, पर मैं इतना तो जानती हूँ कि आज के समय में ये नियम कुएं की मेंढक के समान है। इस लाटनों से बाहर निकल के देखो, आजकल औरतें हवाई जहाज चला रही, कितना कुछ कर रही है। फिलहाल अभी तुम साइकिल पर बैठो, हमें समय पर घर पहुंचना है, चलो। अरे बाय, मुझे तुम्हारे साथ घर नहीं जाना। मासी साहब को क्या बोलना है तुम सोच लेना। बाय। वैसे मैं सोच रहा था कि कनक ने कैसा वर ढूंढा होगा यार, सारा दिन तो फिल्मों की बातें करती है, तो कोई फिल्मी हीरो टाइप भी चुना होगा, स्पोर्ट्स बाइक पे डैशिंग सा। औरत घर के अंदर रहे और मर्द भले ही बाहर घूमते फिरे, मर्यादा की पूछ तो सिर्फ औरतों को लगी है ना। आज तुझे दिखाती हूँ मैं किसकी बेटी। भैया ऑटो क्यों रोक दिया? मैडम जी, मैं आगे नहीं जा सकता, मुझे घर जाना है खाना खाने के लिए। अगर आपको लाडनू गांव में घूमना है तो कोई दूसरा ऑटो कर लीजिए। वैसे कनक ना बड़े सॉफ्ट से दिल वाली है, तो बंदा भी ऐसी चुना होगा, एकदम प्यारे से सॉफ्ट से दिल वाला, पापा के जैसे। कनक की हाँ में हाँ मिलाने वाला, कनक को उसकी आजादी देने वाला। ओह,
हेलो, ओ धर्मराज जी, औरत पैदल चल रही है। अब धर्म नहीं कहता कि तुम्हें भी पैदल चलना चाहिए? आज तो अच्छी क्लास ले ली टापू से। जो भी हो, हमारी बहना ने ना दिल जीत लिया होगा उसका। हमारी बहना है ही ऐसी, जो भी उसके साथ चार दिन बिता लेना तो बस उसी का होकर रह जाए। ये जो कुटो नाच नचारी होगी बहना। लड़की बिना कनक, बस बहुत हुआ, अब घर चलो। उमा सा, किसी को भी घर ले जाओगे क्या? कहाँ छोड़ा है भाभी सा को? संभाल के भी कोनी रख पाए ना? माफ कीजिए। लेकिन भाई, कनक के साथ रहना इतना आसान नहीं है। फुल मस्ती खो रहे वो। किसका बैंड बजाना है और अपनी बदमाशी से किसे चक्कर में डालना है, चुटकियों का काम है उसके लिए। All the best, जीजू। नमस्कार उमर भैया। वो भैया, आज तो भाग्य खुल गया हमारे। सुबह से बोनी तक ना हुई थी, लेकिन भाभी साह ने सारे संतरे खरीद लिए। लगता है भाभी साह को संतरे बहुत पसंद है, ये लिए। सॉरी, पर हमारी बहना से पार पाना ना थोड़ा मुश्किल। हाँ, वो तो है। कनक। ओ सॉरी, कहीं आंखों में धूल, आई मीन बबल्स तो नहीं गए? अभी भी आना चाहेंगे मेरी रक्षा के लिए, मेरे पीछे पीछे? कनक, ये क्या कर रही हो तुम? समझ को नहीं आवे। उमा जानता था कि आज बिंदी साई की रसोई का पहला दिन है, फिर उसे बाहर क्यों ले गया? इसलिए कहते हैं मासी सा, ब्याह के बाद सब बदल जावे। भाभी सा ने दादू सा को वश में करना शुरू कर लिया है। अभी तो बस शुरुआत। चुप, जो मन में आए बोले जा रही है। लो, आ गई भाभी सा। बिंदी साए कठे चले गए थे, और अकेले क्यों आ रहे हो? उमा ने समझाया नहीं? इस घर की लुगाइयां अकेले घर से बाहर नहीं जाती। कठे उमा। आखिर कैसे समझाऊं कनक को कि जीवन में धर्म की क्या अहमियत होती है? कैसे समझाऊं कि रिश्तों में आजादी नहीं देखी जाती?
साथ निभाना और मिलके साथ चलना देखा जाता है। कनक कहाँ हो तुम? भाभी साहब क्या हुआ? ये पूछी क्या नहीं हुआ मासी साहब? जानती हूँ कि एक औरत कभी अकेली बाहर नहीं जाती, स्वामी के साथ ही गई थी, पर रास्ते में उन्हें एक मरीज मिल गए जिनसे बातें करते करते वो आगे निकल गए, कहीं दिखे ही नहीं मुझे मासी साहब। मैं तो डर गई थी मासी साहब, एक तो अकेली औरत, ऊपर से अनजान शहर। जानती हूँ मासी साहब, औरत तो घर की मर्यादा होती है, तुलसी तब तक पूजनीय होती है जब तक वो घर के अंदर हो, बाहर अकेली औरत तो वन का पौधा समान हो जाती है मासी साहब। एक तो डरते संभलते जैसे तैसे घर पहुंची हूं मैं। उमा साहब अपनी जिम्मेदारी ना निभाए ऐसा हो ही नहीं सकता। उमा साहब ने हमें सिखाया है ना स्त्री स्वतंत्रियम अर्हति, मतलब सभ्य परिवार की औरतों को घर से अकेले बाहर जाना वर्जित है। कहने में और करने में फर्क होता है पालोमी, जीता जागता सबूत तो मैं खड़ी हूँ तुम्हारे सामने। पर उमा सा... पालोमी, इतना विश्वास तो मन ने भी है कि उमा ऐसा को नहीं कर सके, पर ये भी जानू कि जब मरीज की बात हो है तो उसे और कुछ दिखाई नहीं देता, उनके दुख दर्द में खो जाता है वो। मगर भाभी साहब आप पहले भी घर अकेली आई है ना? हाँ भाभी साहब, आप पहले भी तो आए थे अकेले अपने घर से यहाँ तक। तब तो घर के डर के आगे कुछ सूझा ही नहीं मुझे। आप लोग क्या कहेंगे क्या सोचेंगे यही सोचते सोचते तो घर आ गया। आज तो ये सोच रही थी कि इनके इंतजार में खड़ी रहूं क्या घर चली आऊं। सुमन शिव जाओ बाजार से अपने दादू साहब को ढूंढ कर लाओ। जी बीनी कठे है, थारे साथ ही गई थी ना? हाँ मासी साहब, वो कनक पता नहीं अचानक कहाँ। मुझ पर गुस्सा मत होना, मासी साहब से कुछ कहना चाहती हूँ। मासी साहब ये बस इस तरह बाजार में अपनी बीनी को छोड़ देता है कोई? पीछे पलट के भी नहीं देखा, पता है कितनी घबरा गई थी ये, पसीने में लथपथ घर लौटी है। ऐसी सुरक्षा देते हैं अपनी पत्नी को, किसी अनजान जगह में कुछ हो जाता तो थे तो अपने नियम तोड़ने लग गए। अब जाने दीजिए मासी साहब, मैं मीठा बनाने की रस्म शुरू करती हूँ, स्वामी को माफ कर दीजिए। मैंने पता नहीं था कि थे इतने समझदार। ठीक है थे जाओ। जी
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।